नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल। दोस्तों आज जो गाड़ी है महिंद्रा का बोलेरो पिकअप है जो BS6 है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, गाड़ी का पिकअप नहीं है और इसमें दो लाइट ब्लिंक कर रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। एक है DPF का जो लाइट है वो, और एक है चेक लाइट, माल फंक्शन लाइट। तो इसको आज हम लोग जो काम करेंगे, तो अभी इसको हम लिया है, तो ये देखिए आप देख पा रहे हैं लॉन्च का स्कैनर से हम काम करेंगे। ये टैब है और ये देखिए लॉन्च का ओरिजिनल डोंगल है ये, जैसे कि आप लोग जानते हैं इसको, लॉन्च का ओरिजिनल डोंगल है ये। ठीक है दोस्तों, तो इस डिवाइस से हम लोग आज काम करेंगे। तो देखिए जैसे कि खोल कर रखे हैं सॉफ्टवेयर, ये जो सॉफ्टवेयर है मैं दिखा देता हूँ आप लोग को बैक करके। देखिए दोस्तों ये जो सॉफ्टवेयर है ये मतलब डाइक जोन सॉफ्टवेयर नहीं है। ये जो सॉफ्टवेयर आप शायद देख पा रहे हैं, ये देखिए X Dike Pro 3 है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम क्लिक करेंगे, करने के बाद इसको खोलेंगे। खोलने के बाद देखिए ऑप्शन आया है, अभी इसमें डायग्नोस में जाएंगे। डायग्नोस जाने के बाद ये जैसे कि एशियन गाड़ी है तो एशिया में क्लिक करेंगे एक बार। उसके बाद ये देखिए महिंद्रा इंडियन में क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए सारा ऑप्शन, वर्जन कौन सा चल रहा है, सॉफ्टवेयर वर्जन वो आ चुका है। ठीक है दोस्तों, इसमें ओके करेंगे। ओके करने के बाद कनेक्टिंग हो रहा है, कम्युनिकेट हो रहा है गाड़ी के साथ और डिवाइस के साथ। ठीक है दोस्तों, थोड़ा देखिए आ चुका है। आने के बाद देखिए इसमें व्हीकल सिलेक्शन में हम लोग जाएंगे। व्हीकल सिलेक्शन जाने के बाद यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, ये है कमर्शियल व्हीकल मगर ये है BS6। तो हम लोग जाएंगे BS6 में जाने का। इसमें दो ऑप्शन आया है, एक है MDG जो हम लोग बोलते हैं उसकी MD1। ठीक है, MD1 और ये नीचे वाला डेल्फी वाला है MD7.1। तो ये डेल्फी वाला ACM नहीं है, ये बॉस का ACM है। तो USD MDG BS6 में जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका फॉल्ट कोड पहले चेक करेंगे, फॉल्ट कोड क्या है। ये रीड फॉल्ट कोड जैसे कि देख पा रहे दोस्तों, ये रीड फॉल्ट कोड में क्या है, HFM सेंसर, रेसोमेट्रिक सिग्नल लाइन, रेफरेंस फ्रीक्वेंसी हाई डिटेक्टेड। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब HFM सेंसर भी इसका ख़राब है, इसी वजह से इसका DPF लाइट आ रहा है शायद। और इसका सूट मास्क देख लेंगे, सूट मास्क कितना है। तो सूट मास्क का तो कोड नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी इसका पिकअप नहीं है। तो एक बार सूट मास्क हम लोग देख लेते हैं, बैक करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं रीड डाटा स्ट्रीम में जाएंगे। जाने के बाद यहाँ देखिए DPS एंड सूट मास्क, इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, सूट मास्क कितना ग्राम का देख लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर देख लेते हैं सूट मास्क कहाँ है, एक सेकंड में ढूंढ लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये देखो दोस्तों, इसको हम क्लिक करते देखते हैं इसमें कितना ग्राम दिखाता है। ये है क्या, देख लेता हूँ। ये ना ए भी है, एक दो ए भी है, इसको भी क्लिक करते हैं और इसको भी क्लिक करते हैं, दोनों को क्लिक करके एक बार ओके करते हैं। ओके करने के बाद देखिए दोस्तों, ये शायद नहीं है। तो अभी इसको लिया हूँ, मुझे भी उतना पता नहीं है इसके बारे में। ठीक है, तो बैक करते हैं। बैक करने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे सूट मास्क कहाँ पे है। हाँ देखिए यहाँ पे आया, देखिए ये वाला सूट मास्क है। ये नहीं, ये है देखिए, मेजर वेट ऑफ सूट मास्क इन DPF। ठीक है, इसमें क्लिक करते हैं, उसके बाद ओके करते हैं। ओके करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे 26.87 आया है, यानी कि 26.87 ग्राम सूट मास्क इसमें भर गया है। तो दोस्तों इसको कंफर्म करने के लिए मैंने अपना गरुड़ा भी लगाया था, जैसे कि देख पा रहे हैं अपना लैपटॉप है। और देखिए गरुड़ा की हम लगा कर रखे लगाए थे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने देखा तो उसमें भी इतना ही ग्राम दिखा रहा है और इसमें भी इतना ही ग्राम दिखा रहा है। मेरे को आज ये टेस्ट करना है कि इसमें रीजेशन होता कि नहीं है, मतलब लंच से, और इसमें DPF रीसेट होता कि नहीं है, ये हमको टेस्ट करना है। तो सबसे पहले दोस्तों इसको हम रिजर्वेशन में लगाएंगे। रिजर्वेशन के लिए इसको बैक करेंगे और एक बार बैक करेंगे। बैक करने में देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे कि देख पा रहे हैं रीड फॉल्ट कोड, क्लियर फॉल्ट कोड। तो इसको हम स्पेशल फंक्शन में जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद देखिए कितना ऑप्शन आया, SCR रूटीन, EB GT, सिलेंडर IQ, मतलब इंजेक्टर कोडिंग, रिसेट DPF इन LNT PSP। ठीक है दोस्तों, तो इसको बाद में यूज़ करेंगे, पहले हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर इसको हम दिखाएंगे। जैसे कि अभी गाड़ी स्टार्ट भी है और टेम्परेचर भी सही है। ठीक है दोस्तों, तो इसको करते हैं ओके।
देखिए देख सकते, देख पा रहे ऑप्शन आया है, ओके करते हैं। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे सारा जो मतलब कंडीशन है वो फिल फाइल है कि नहीं, सारा इसमें दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए इसमें सारा फिल फाइल है कि नहीं, अगर ये सारा फिल फाइल नहीं होता तो यहाँ पे नॉट ओके दिखता। देखिए साइड में देखिए सारा ओके 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 ओके, सब कुछ जितना भी कंडीशन है सब कुछ ओके है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, आर्डलिंग कितना होना चाहिए, T5 T6 का सेंसर का वोल्टेज कितना होना चाहिए, एक्सलेटर पेडल क्लास ये सब नहीं दबा होना रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हैंड ब्रेक लगा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये सब सारा कुछ ओके है। तो ओके अगर है तो हम इसको अभी एग्जीक्यूट करते हैं ताकि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो एग्जीक्यूट कर यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट का ऑप्शन जो है इसमें क्लिक करते हैं। देखिए दोस्तों अभी एग्जीक्यूट किया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी हमने इसे एग्जीक्यूट किया लेकिन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो इसको हम और एक बार देखते हैं कोशिश करके। यहाँ पे भी सूट मास वैल्यू दिख रहा है, देखिए 26.787 ग्राम। ठीक है दोस्तों, और एक बार देखते हैं एग्जीक्यूट करके। देखिए बेटर मैक्स मेजर सूट मास 37 ग्राम टू स्टार्ट द रूटीन, मतलब ये कह रहा है 37 ग्राम तक ये मतलब रजिस्ट्रेशन कर सकता है, लेकिन ये 37 ग्राम अभी तक पहुँचा नहीं है, लेकिन तो आराम से होना हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम एक बार एस करते हैं। एस करने के बाद देखिए और क्या ऑप्शन आया, देखिए दोस्तों यहाँ भी और एक ऑप्शन खुला है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार देखते हैं यहाँ पर जैसे कि लिखा है DPF सर्विस रीजनरेशन, तो इसमें भी एक बार क्लिक करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए एग्जीक्यूटिव लिखा हुआ, फिर से एक बार देखते हैं एग्जीक्यूट करते हैं सर्विस DPF सर्विस रजिस्ट्रेशन क्लिक करने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए दोस्तों ये आईडी पासवर्ड लॉगिन मांग रहा है, आईडी पासवर्ड में लॉगिन कर लेता हूँ, सॉरी। देखिए ओके, सिक्योर एक्सेस फेलवर, एक बार और एक बार कर लेता हूँ। सॉरी, लगता है इसमें लिखा हुआ नेटवर्क नहीं है, तो एक बार मैं इसको नेटवर्क भी दे देता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा। ठीक है, वीडियो में बना रहेगा, जाएगा नहीं। हाँ दोस्तों देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं शायद इसमें टैब में मेरा इसका नेटवर्क आ चुका है। देखिए जहाँ पे बैटरी का वोल्टेज मतलब बैटरी कितना परसेंट है वो दिख रहा है, वहाँ पे नेटवर्क आ चुका है। एक बार ठीक है, हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। देखिए प्लीज़ वेट, क्या क्या बता रहा है। देखिए सिक्योरिटी एक्सेस फेलवर, पता नहीं ये क्यों दिख रहा है, एक बार ओके करते हैं और एक बार देखते हैं DPF सर्विस रीजनरेशन में। ओके, ये देखिए सारा फिल है, ओके है, सब कुछ ओके है। ठीक है दोस्तों, एक बार एग्जीक्यूट करते हैं फिर से। देखिए दोस्तों इसमें नहीं हो रहा है, इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आप इसको करते हैं साइड में, मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो बाकी रिसीट विजिट कैसे करेगा भाई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो इसको आप इसको हटा के आप लगाएंगे गरुड़ा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा वीडियो को पॉज कर लेते हैं, लगा लेते हैं गरुड़ा। दोस्तों देखिए हम लोग अभी गरुड़ा लगा लिए हैं और गरुड़ा में भी एक पोर्ट आया हुआ है, देखिए HFM एयर टेम्परेचर सिग्नल। ठीक है दोस्तों, तो ये करंट में है, इसको एक बार हम क्लियर कर लेते हैं। क्लियर DC यहाँ पे ऑप्शन है, क्लियर DC। ठीक है दोस्तों, क्लियर करने के बाद थोड़ा यस आ गया, देखिए यस। ठीक है दोस्तों, यस करने के बाद भी ये क्लियर नहीं हो रहा, इसका मतलब इसका सेंसर ही ख़राब है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट रूटीन टेस्ट में जाएंगे। रूटीन टेस्ट में जाने के बाद इसका सूट मास भी देखेंगे कितना है, यहाँ पे भी दिखाता है कितना है, देखते हैं। रूटीन टेस्ट गए, उसके बाद यहाँ पे देखिए DPF सर्विस रजिस्ट्रेशन दिखा हुआ है, चेक कंडीशन कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या कंडीशन चाहिए। देखिए ये सारा कुछ कंडीशन, देखिए यहाँ पे भी सूट मास कितना है, देखिए यहाँ पे देखिए 26.8 ग्राम। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सारा कुछ है, लेकिन यहाँ पे देखिए ओके करने से इसका रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार ओके कर लेते हैं, आपको भी दिखा देता है रजिस्ट्रेशन होता कि नहीं है इससे। यस, जैसे कि देख पा रहे हैं दोस्तों इसमें रजिस्ट्रेशन चालू हो गया, लॉन्च में नहीं हो पाया। जैसे कि देख पा रहे हैं दोस्तों इसके रजिस्ट्रेशन चालू हुआ, गाड़ी का इंजन का रेस भी बढ़ गया है, शायद आप लोग को पता चल रहा है।
गाड़ी का इंजन पूरे से भरा हुआ दोस्तों। तो दोस्तों हाँ, इसमें एक्सीलेटर और ब्रेक में पैर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी टच नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी रिलेशन चालू है, यहाँ पे भी लिखा होगा, देखिए दोस्तों, टेस्ट इज रनिंग। जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे टेस्ट इज रनिंग, गाड़ी का रेस भी हो रहा है पूरा। ठीक है दोस्तों, तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था जो लॉन्च से क्रैक सॉफ्टवेयर से ये स्क्रैक मतलब रजिस्ट्रेशन होता कि नहीं है। दोस्तों उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, इसका मतलब वो बेसिक का कोई काम के नहीं आया मेरे लिए। ठीक है दोस्तों, पता नहीं किसी चीज़ से हो सकता है, लेकिन मेरे साथ तो नहीं हुआ भाई। अगर किसी का हुआ है तो कमेंट करके बताइए मेरे को, किसका किसका हुआ है, मतलब क्रैक वर्जन से रजिस्ट्रेशन होता है किसका किसका। मेरे इसमें से तो नहीं हुआ दोस्तों, पता नहीं क्यों नहीं हुआ, लेकिन गरुड़ा में हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर किसी के पास होता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। और एक बार दोस्तों, अगर किसी को सॉफ्टवेयर चाहिए टाटा का, महिंद्रा का और गरुड़ा चाहिए, ठीक है दोस्तों, वो मिल जाएगा दोस्तों। और कोई भी चाहिए, अगर लंच भी चाहिए तो आपको लंच भी मिलेगा, और थिंक टैग भी चाहिए तो थिंक बैग भी मिलेगा, टैग जो सॉफ्टवेयर के साथ मिलेगा, एक्सडेक प्रोटीन के साथ भी मिलेगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, इसको डिसीजन करने के बाद इसको छोड़ देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ओके, टाटा, बाय बाय।